विद्युद्धाम शम प्रभा मृगपति स्कंदे स्थित भीषणम कन्या भी करवालखेट विलसम दस्तावीरा सेविताम हस्ते शक्र गदा सखेट विषकम चापम गुणम तर्जनी बिभ्राणाम अनलात्मिकम सुधरम दुर्गाम त्रिनेत्रम भजे। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोयोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य एसएस जोशी। दर्शकों, एस्ट्रोयोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में आज हम बात करने जा रहे हैं जून महीने के मासिक राशिफल की। जून महीने में जो शुरुआत हुई है वो मकर लग्न और मेष राशि से शुरुआत हो रही है। उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो मासिक कुंडलिका में चौथे घर में शुक्र और चंद्रमा विराजमान हैं, जो कि शुभ योग बना रहे हैं। सातवें पांचवें घर में बुध आदित्य योग बना रहा है, जो कि विद्या और संबंधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंगारक दोष मासिक कुंडलिका में छठे घर में है, जिसका भी थोड़ा सा विपरीत प्रभाव राशियों में जाने वाला है। और मासिक कुंडलिका में लाभ घर में बृहस्पति वक्र हैं, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। और बारहवें घर में जो है शनि वक्र हैं केतु के साथ, उसका भी अलग विपरीत प्रभाव रहने वाला है। मासिक कुंडलिका में शुरुआत के समय जो ग्रहों की स्थिति है उसका जो है आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार का वो लाभ या हानि आदि चीज़ें कर सकता है, ये जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देंगे। और अपनी राशि का पूरी जानकारी कि आपकी राशि में इन ग्रहों की स्थिति से क्या प्रभाव रहने वाला है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास अपील, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का प्रयास भी करें। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के जो मैं आपका जून के महीने में देखता हूँ वो सामान्य है, इसमें किसी प्रकार की हेल्थ की प्रॉब्लम आपको नहीं देख रहा हूँ। हाँ, जो लोग थोड़ा सा पहले अगर ब्लड से संबंधित किसी बीमारी से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मल स्वास्थ्य आपका जून के महीने में काफ़ी अच्छा बना रहेगा। आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ और आपका दाम्पत्य जीवन, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है। लव लाइफ के लिए जून का महीना काफ़ी अनुकूल है। अब ये महीना ऐसा है कि जहाँ पर आपको अपने लव से संबंधित डिसीजन लेना होगा, अपनी लाइफ से संबंधित डिसीजन लेना होगा, अपनी बात आगे रख सकते हैं और एक नई शुरुआत आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें। वहीं जो लोग लव लाइफ शुरू करना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से इंतज़ार में थे, उनका राइट पार्टनर को नहीं मिल पा रहा था, तो जून के महीने में पूरी उम्मीद है कि उनको राइट पार्टनर को मिलेगा और आपको शुरुआत भी करना चाहिए। आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बैलेंस मुझे दिख रहा है जून के महीने में, काफ़ी अनुकूल दिख रहा है। जो पहले उठापटक थी, जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में था, उसमें काफ़ी शांति आ गई है, काफ़ी उस मामला जो देखा जाए शांत हो गया और एक अच्छा जो है पर्सनल लाइफ जून के महीने में मैं आपकी देख रहा हूँ। आगे बात करते हैं आपकी करियर की। करियर में सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आपके जो भूतकाल में हम कह सकते हैं पास्ट में जो आपने मेहनत की थी उससे आपको काफ़ी लाभ मिल रहा है, उसका जो बेनिफिट है आपको जून के महीने में देखने को मिल रहा है। जो लोग प्लानिंग कर रहे थे लंबे समय से अपना व्यापार शुरू करने का, उनके लिए भी अनुकूल समय है, वो अपना व्यापार जून के महीने से शुरू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं करियर के अंदर नौकरी पेशा जातकों के लिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए फिर से थोड़ा सा जो है समय धीमा है, हम कह सकते हैं कि जो गति या जो लाभ जो इच्छा आपकी थी व्यापार अपने करियर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ी हुई है। तो थोड़ा सा जून का महीना भी मुझे लगता है कि ये धीमा रहेगा। अपने सब्र और अपनी मेहनत से काम करते रहेगा, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और जो लोग अनएम्प्लॉय हैं, जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिल पाई अभी तक, उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये महीना एक अच्छा महीना है, शुरुआत कर सकते हैं। धीमी है बट अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूँ जून का महीना आपके लिए रहने वाला है, तो अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो धन की स्थिति है वो जून के महीने में कैसे रहने वाली है। तो जो लाभ का जो स्वामी है आपका वो पहले से वक्र स्थिति का है,
कमजोर है, जिससे कि लाभ आपको हुआ तो है, दिख तो रहा आपको चीज़ों के लिए, बट एक फ्लोर पे जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा धीमी आ रही है, ऐसा आपको मिल सकता है। वो हर क्षेत्र में, चाहे आपका आय का स्रोत कुछ भी क्यों ना हो, वहाँ से थोड़ा सा धीमा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रही बात आपकी सेविंग, तो थोड़ा सा जो जून का महीना नहीं हो सकता कि जो पास्ट में जो आपने मेहनत की थी, पास्ट में जो आपका धन कहीं अटका पड़ा था, उससे आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। तो इससे क्या हो गया कि आपका जो फाइनेंस है वो बैलेंस हो गया जून के महीने में। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। शुरुआत करेंगे हेल्थ से। हेल्थ के लिए आपको अलर्ट रहना है, ध्यान देने की आवश्यकता है, और खासकर जो लिवर से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए और ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो लोग अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं है, उन लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर हो सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, जिससे कि आप अपने बिना रुके हुए अपना कार्य आदि कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ की स्थिति जून के महीने में क्या है। तो शुरुआत करते हैं लव लाइफ से। लव लाइफ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ। जिन लोगों का आप सपोर्ट चाह रहे थे, जिन लोगों का आप सहयोग चाह रहे थे आपकी लव लाइफ में, बिल्कुल आपको जून के महीने में वो सहयोग पूरी तरीके से मिल रहा है, और आपकी जो लव की जो गाड़ी है वो पटरी में अच्छी गति के साथ आगे बढ़ रही है। जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है, यही समय आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आप और ज़्यादा विलम्ब ना करें, जिससे कि चीज़ें देर होंगी तो फिर चीज़ें आपका उतना लंबा समय उसमें लगेगा। आगे बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, जो शादीशुदा जीवन होता है बहुत ज़रूरी है सभी के जीवन में। यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहा है कि कुछ इसमें उतार चढ़ाव कहाँ पर होगा कि हम देखते हैं कि मैं ही सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो जब हम इस थिंक से चलेंगे तो निश्चित है कि परिवार में विवाद होगा, दाम्पत्य जीवन उठापटक के साथ आपको झेलना पड़ेगा। तो निश्चित है कि उन चीज़ों को यूज़ ना करें जीवन में, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा ना हो, तो आपका जीवन बढ़िया जा सकता है। नॉर्मली आपको सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे आपके करियर की, आप करियर में आपका कैसा रहने वाला है जून का महीना। तो शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। व्यापार वर्ग के लिए भी थोड़ा सा धीमा समय है, हम कह सकते हैं कि हम बोर हो जाते हैं चीज़ों के लिए, कि वही गति से चीज़ें चल रही हैं जिसमें हम प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, बट जो गति है वो कमज़ोर है, तो थोड़ा सा आपको बोरियत हो सकती है यहाँ पर। तो संयम और धैर्य से काम लेंगे। ग्रह ऐसा है कि आपको हानि नहीं होने देगा, बस आपका संयम की परीक्षा करवा रहा है। तो अपना संयम और धैर्य से काम करेंगे तो आपका व्यापार अच्छी गति में आगे बढ़ेगा। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत या यहाँ से व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, ठीक है। आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा लंबी दूरी का फ्यूचर आप देखेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में 3 महीने में हमें लाभ मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए लंबे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो निश्चित आप शुरुआत कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन आपके पास रहेगा। अगर आप जल्दी लाभ चाहते हैं तो फिलहाल रुकें, अभी व्यापार शुरू ना करें। आगे बात करते हैं जो हमारे एम्प्लॉय लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले जातक हैं, उनका अगर बात करेंगे, उनका भी धीमा है। कहीं ना कहीं क्या है कि जो वो चाह रहे हैं, जिस पद प्रतिष्ठा की उनकी इच्छा है, जो क्षेत्र वो अपने मतलब एक सेलेक्ट करना चाहते थे, चूज़ करना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। मतलब आपके थिंकिंग के विपरीत चीज़ें चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। बट ये भी एक समय है, परीक्षा वाला समय आपके लिए भी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य से आप काम लेंगे तो निश्चित है उसका लाभ भी आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, आगे बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या रहने वाली है जून के महीने में। आपका जो लाभ का जो स्वामी है वो धीमा है, वक्र है, जिससे कि आपकी लाभ की जो गति है स्लो पड़ी हुई है, धीमी पड़ी हुई है, जिससे आप कहीं ना कहीं इरिटेट होंगे उस चीज़ से कि हमें तो 100 चाहिए था बट 40 ही आ रहा है, 50 ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि बजट गड़बड़ाता है। उससे भी एक और बड़ी चीज़ है कि जो आपका सेविंग है, जो आपके पास धन इकट्ठा संचित धन जो है, उसमें भी कहीं ना कहीं खर्चे का योग बना हुआ है कि ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो उससे और चीज़ें गड़बड़ाती है। क्योंकि एक तो आपका प्रॉपर उतना आ नहीं रहा है और ऊपर से आपका खर्चा ज़्यादा है, तो और परेशानी हो सकती है। बट कहने का अर्थ मेरा यही है कि संयम और परीक्षा वाला समय है, धैर्य से काम लेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। दर्शकों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि का जून का महीना कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ का जो क्षेत्र है बहुत ही
कमज़ोर मैं कह सकता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दोष बने हुए हैं जो ख़राब दोष हैं, और ख़ासकर जो वक्र ग्रह हैं उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हेल्थ के पॉइंट पे आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग इस गलत फहमी में है कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ भी व्यसन नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता, मुझे क्या होगा, तो गलत है। आप अपना समय पर अपना स्वास्थ्य की जो है चेकअप कराएं, अपना जांच कराएं, जिससे कि चीज़ें सामने आए तो आप जल्दी उस चीज़ से बाहर भी निकल पाओ। हाँ, अगर गलत फहमी में रहोगे तो फ्यूचर में बड़े रोग की ओर आप बढ़ रहे हो। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जो भी आप डिसीजन लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल वो डिसीजन आपके पक्ष में आएंगे। जो लोग लंबे समय से लव रिलेशनशिप में हैं, वे अपने रिश्ते को शुरुआत दे सकते हैं, एक नया नाम ले सकते हैं, जिससे कि अच्छे फ्यूचर, एक नई फ्यूचर की आप शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से वेटिंग में हैं कि हमारा कब होगा, क्या होगा, निश्चित है उनकी शुरुआत है, या जिन लोगों के बीच अलगाव है, दूरियाँ हैं, नहीं हो पा रहा है चीज़ें, तो उनके लिए भी अनुकूल समय जून का महीना मुझे दिख रहा है। आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, जो शादीशुदा हमारा क्षेत्र है, शादीशुदा जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी खराब समय, मैं इसको कह सकता हूँ काफ़ी चैलेंज वाला समय है आप लोगों को दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि रिश्ते को मजाक में ले रहे होंगे कि ठीक हो जाएगा, वो जाएगा, एक गलत मोड़ पे भी आपका रिश्ता जा सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और जो आपके आसपास सलाहकार लोग भी हैं वो भी आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे समय में, क्योंकि चीज़ें विपरीत हैं, तो उससे भी गलत संदेश जाता है। तो आप खुद अपने रिश्ते के निर्माता खुद हो, ध्यान दें, सोचें क्या गलत है क्या सही है, तो ही आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो आगे चल सकती है। इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे करियर की। करियर में शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी वर्ग है, उनके लिए भी थोड़ा समय कठिन समय है, थोड़ा संघर्ष वाला समय है। जो मैं कह सकता हूँ कि जो अगले कुछ समय से आप जो पैसेंस रखे हुए, जो धैर्य आप रखे हुए, उस धैर्य को और रखने की ज़रूरत पड़ेगी जून के महीने में, जो कि आपके व्यापार को नुकसान नहीं होने देगा। हाँ, अगर आपको लंबा समय हो गया है, आपको लाभ का भी कहीं लाभ ही नहीं दिखा है, बेनिफिट का बाबी कहीं नज़र नहीं आया, तो मुझे लगता है कि उचित है कि आप निर्णय लें, इसको बंद करके आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है, और थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिएगा, फिर आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में एक अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते अपने बिजनेस से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे जो नौकरी पेशा जाता है, जो जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी धीमा समय, बट पास से देखा जाए, अगर हम वहाँ से पास से कुछ जो डिफ़िकल्टियाँ थी, जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें अब थोड़ा सा यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही हैं, तो थोड़ा सा आप सांस ले सकते हैं, थोड़ा सा आप हल्का महसूस कर सकते हैं। जून के महीने में ये आपके लिए अच्छा समय है। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, वो कहीं ना कहीं ट्राई करें, उनको भी सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बात करेंगे आपके फाइनेंस की। फाइनेंस कैसा रहने वाला है जून के महीने में? तो फाइनेंस का जो लाभ के जो क्षेत्र आपका है वो ठीक है, मैं उसको बहुत कमज़ोर नहीं कहूँगा। कुछ हो सकता है इस महीने कोई नया लाभ ना, और जो पिछले समय से जो पास से आप मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ लाभ आपको निश्चित मिल सकता है। जो बजट आपका गड़बड़ हो सकता था जून के महीने में, उसमें थोड़ा सा राहत आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए कुल मिला के तो फाइनेंस की जो कंडीशन आपकी वो सामान्य है, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दर्शकों, आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के लिए आपके लिए जून का महीना सामान्य है। अपनी फिटनेस पे, खान पान पे ध्यान रखें, जिससे कि आगे भी आपका मजबूत और अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलता रहे और बना रहे, ऐसा योग आपका। आगे हम बात करेंगे लव लाइफ आपकी। तो लव लाइफ वालों के लिए ये समय थोड़ा सा कठोर मैं कह सकता हूँ। कठोर कहने का अर्थ मेरा है कि आपके पक्ष में पूरी तरीके से ना होना, कि 100% जो आप चाहते थे वो ना हो, 80% या 70% तक जो संभावना है आपके सपोर्ट में रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा और बैलेंस करके चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल नहीं है पूरी तरीके से। मुझे लगता है कि और थोड़ा सा समय दें, और अपने साथी को समझें, पार्टनर को समझें, फिर जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसका कि आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, जो हमारा शादीशुदा जो लाइफ होती है उसके बारे में। और शादीशुदा जो जातक हैं उनके लिए समय
बिल्कुल जो स्थिति पहले से बनी थी वो आज भी बनी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस चीज़ की उम्मीद, आप सुधार की उम्मीद ना रखें तो बेहतर, क्योंकि जब उम्मीद रखते हैं और चीज़ें होती नहीं तो ज़्यादा दुख होता है। तो थोड़ा और धैर्य से चलें और थोड़ा सा सावधानी बरतें, आगे चलकर जरूर इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की, करियर आपका कैसे रहने वाला है। शुरुआत करेंगे व्यापारी वर्ग से, व्यापारी वर्ग के लिए भी धीमा है। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले से जो धीमापन था आपके व्यापार में, उसमें थोड़ा सा कुछ चंद परिवर्तन आया, 10-20% का थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको जून के महीने में, बट बहुत ज़्यादा नहीं। जो आपकी अपेक्षा थी, जो उम्मीद थी, उतना भी नहीं जा रहा। उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा और समय का इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए अनुकूल समय जरूर है, बट कुछ अनवांछित जगह जो हम नहीं चाहते हैं, उन जगहों पे हमें भेजा जाए, उन पद पे हमें भेजा जाए जहाँ पर हम दूर बचना चाहते थे उन समय से। तो ऐसे ही भी आपके समय एक परीक्षा का, एक आपको जज करने का समय आ सकता है। तो उसको आप अपने दिमाग से, धैर्य से और सलाह लेके अगर उस कदम को आप चूज़ करेंगे तो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी में या डर के मारे आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है उसका आपका नुकसान भी हो, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे लंबे समय से, आपके पास ऑफ़र आएंगे, बट नज़दीक नहीं, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से नहीं, कहीं दूर से आपके पास ऑफ़र आएंगे। और अगर आप दूर करना चाहते हैं तो निश्चित ज्वाइन करें, और अगर दूर नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा और समय का इंतज़ार कीजिएगा, जिससे कि आपके मनपसंद लोग और मनपसंद जगह जो है आपको मिल सकती है। आगे बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है वो हम आपको बताएंगे। तो जो लाभ के जो स्वामी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं आपके कुंडलिका में, तो लाभ जो हम कह सकते हैं वो एक अच्छा लाभ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं जो आपकी सेविंग है, जो एक धन की स्थिति जो दिख रही है मुझे जून के महीने में, वो काफ़ी बैलेंस है और काफ़ी अच्छा है। धन के संबंध में आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। हेल्थ के मामले में जून का महीना काफ़ी संतोषजनक है, इसमें आपका हेल्थ और फिटनेस स्वस्थ रहेंगे आप, और इसी प्रकार आगे अपने खान पान का, अपने फिटनेस का ध्यान रखते रहेगा, जो कि लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ आपको देता रहेगा। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ, शादीशुदा लाइफ की। तो लव लाइफ में आपका दिक्कतें हैं, जो अनुकूल स्थिति अभी बनी थी वो स्थिति फिर बिगड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो है गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ मिस कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें पटरी पर आते आते चीज़ें निकल रही हैं, तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं लव लाइफ की, उनका भी कहीं ना कहीं और समय देने का जो योग है वो बन रहा है, थोड़ा और समय दो। आप जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी से चीज़ें खराब होगी, थोड़ा और समझें फिर आगे बढ़ें, तो निश्चित है उसका आपको लाभ फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन का जो है वो क्लेश जो है बीच में जो थमा था, जो आपका थोड़ा शुरुआत अच्छी हुई थी, वो फिर दोबारा से पुराने वाले ट्रैक पर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये भी आपको सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है एक दूसरे को समझने में, या कुछ और चीज़ें हैं, या कोई इसमें थर्ड इन्वॉल्व है चीज़ों के लिए जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, घर का व्यक्ति भी हो सकता है। तो थोड़ा उन चीज़ों को समझे, कौन गलत है कौन सही है, इसका निर्णय अगर आप कर लेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन एक अच्छी गति में आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना, क्योंकि जून के महीने में बहुत अच्छा मैं नहीं देख रहा हूँ। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर में शुरुआत करेंगे व्यापारी वर्ग से। तो व्यापारी वर्ग की जो स्थिति है वो जो जून का महीना है, नए काम के लिए तो हो सकता है कि बहुत सामान्य रहे, एवरेज रहे। हाँ, जो पुराने काम में आप मेहनत कर रहे थे उससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो कुछ डील अटकी थी या कुछ फाइनेंस आपका या कुछ पेमेंट रुका हुआ था, उससे संबंधित लाभ आपको ज़रूर मिलने वाला है। आगे बात करते हैं करियर में जो नौकरीशुदा जातक हैं, जो एम्प्लॉय हैं, तो उनका जो समय है काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि और मनपसंद पद प्रतिष्ठा का योग है, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनके लिए भी अनुकूल समय है, वो भी शुरुआत कर सकते हैं। पूरा एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी, जिसका फ्यूचर में आप आनंद ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है। फाइनेंस वर्तमान महीने में तो आपका कमज़ोर है, और कुछ पिछला जो लाभ है वो आपको निश्चित मिलता हुआ दिखाई दे रहा है,
जिससे कि आपकी फाइनेंस की स्थिति मजबूत है, कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा है? सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए जून का महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो जून में आपको उससे निजात मिल सकती है। हेल्थ के क्षेत्र में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें बाधाएं जून के महीने में मैं नहीं देख रहा हूँ। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ, जो हमारी शादीशुदा लाइफ होती है। लव लाइफ का क्षेत्र धीमा है, जो आप गति चाह रहे थे उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। चीज़ें कहीं ना चीज़ें पेच फंसे हुए हैं, बट अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं, नेगेटिव कहीं नहीं जा रहा है। जो लोग शुरुआत करना चाह रहे थे उनकी भी सेम स्थिति है कि एक टारगेट उनका ले रखा था कि जून के महीने में तो फाइनलाइज भाई दिल की बात बोल के और शुरू कर दूंगा अपनी बातें, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें हैं। अभी मुझे लगता है कि और समय थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आप बड़ा ठीक है, कुछ अपने दिल की बात अगर पूरी तरीके से नहीं, कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रख सकते हो, जो कि आपका एक जुड़ाव बना रहेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन, जो शादीशुदा जातक है उनके लिए पहले से स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। जो दिक्कतें थी, जो उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में थे, जो चीज़ें पहले बहुत ख़राब लेवल में चल रही थी, उससे काफ़ी बेहतर आपको जून का महीना देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार कोशिश करते रहें और भी अच्छा आपका हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आपका करियर जो है जून के महीने में कैसा रहने वाला। करियर में सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि कंडीशन है, एक अच्छा समय है। जो धीमा था आपका व्यापार, जो अनुकूल से नहीं हो पा रहा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी गति के साथ आगे बढ़ना शुरू होगा और एक फ्यूचर का लाभ आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो एम्प्लॉय हैं, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनके लिए कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी होगा, बिल्कुल विशेष अलर्ट होने वाली चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि कुछ राजनीति ऐसी हो रही है जो कि आपके लिए जॉब का खतरा भी हो सकता है। जिन जातकों के जीवन में इस प्रकार की कंडीशन है या ऐसा कुछ महसूस हो कर रहे हैं, उनको और अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार नाम खराब होता है तो निश्चित है कि फिर आप लंबा समय लगता है फिर नाम को बनाने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई आपका राजनीति फ़ायदा ना उठा रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो शायद आप अलर्ट रह सकते हैं। कुल मिला के समय थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला है, बहुत सपोर्टेबल टाइमिंग नहीं है। जो नई जॉब की चाह रखते हैं या जो परिवर्तन चाह रहे थे, उनके लिए भी अनुकूल समय नहीं है, धैर्य रखें, आगे आपके लिए अच्छा समय जरूर आएगा। बात करते हैं आपकी फाइनेंस की, पैसे की स्थिति जून में कैसे रहने वाली है। सामान्य है, क्योंकि लाभ जो है आपको सामान्य दिख रहा है, मुझे इसमें कोई जो आपकी गति बनी थी उसी गति से धन आ भी रहा है और सेव भी हो रहा है, तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सामान्य स्थिति में जून के महीने में देखता हूँ। आए दर्शकों, आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, स्वास्थ्य आप स्वस्थ बने रहेंगे और इसी प्रकार अपने खान पान, अपने फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य का लाभ आपको दिखता हुआ मुझे मिल रहा है। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की और पर्सनल लाइफ, वो कैसे रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ का धीमा ही है, जो उम्मीद आप चाह रहे थे उस उम्मीद से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बट पहले से बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो लोग नए अपने लव की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम कंडीशन है, थोड़ा सा संयम धैर्य और रखिए चीज़ों को लेकर, जो कि आपके लव लाइफ को आगे अच्छी गति देगा और एक अच्छा संबंध आप जी पाएंगे अपने जीवन में। आगे बात करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन की, जो शादीशुदा जातक हैं उनके लिए भी पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि ये पॉइंट बेहतर हुआ बट ये पॉइंट कहीं ना कहीं ख़राब है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करना आप ना करें, कंपेयर करने से बचें और बेहतर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी, तो कंपेयर ना करें, इसी प्रकार स्थिति को आगे अच्छा बढ़ने दो, जिससे कि आपका पूर्ण तरीके से शांति आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं आपके करियर की। करियर जून के महीने में कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के लिए समय थोड़ा सा अनुकूलित हुआ है, थोड़ा सा समय एक सुधार की तरफ चीज़ें गई है, बहुत जो गति आप चाह रहे थे, जो स्पीड आप चाह रहे थे, जो अपेक्षा आपकी रखी थी, वो अपेक्षा मैं कह सकता हूँ उतनी नहीं है, बट पहले से बहुत बेहतर आपका हुआ है। हाँ, जो लोग नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए करेक्ट समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है, और थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो जाके अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं आपका जो नौकरी पेशा करने वाले जो जातक हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। वो जो समय उनका चल रहा है अच्छा, अपने समय का मजा लेंगे, अपनी जॉब को एंजॉय करेंगे, अपने कार्य को एंजॉय करेंगे, उनके लिए अनुकूलित है और अनुकूलित लाभ भी उनको इससे मिलेगा। जो लोग अनएम्प्लॉय हैं, लंबे समय से नौकरी की तलाश में, उनकी तलाश भी जून के महीने में पूरी होने जा रही है, वो भी अपनी जॉब की जरूर शुरुआत यहाँ पर करेंगे। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंस की, फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है। लाभ के अच्छे संकेत मैं देखता हूँ और जो आपका जो बेनिफिट है वो पहले की मात्रा में बढ़ेगा और उससे आपका जो फाइनेंस की स्थिति है वो और भी मजबूत होगी। थोड़ा सा आप अपने आप को कंजूस भी महसूस करेंगे जून के महीने में, बट कुछ चीज़ों पे आपको अगर खर्चा करना पड़े तो ज़रूर करें, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी बेहतर है। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और जो खासकर लोग हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित या ब्लड से संबंधित रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, सपोर्टेबल नहीं है। तो आप खुद ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जाके कुछ अच्छा हो सकता है, बट अधिकतर मैं ही आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें आगे अच्छी हो पाएंगी। आगे हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ। लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें आपने विचार था, आपका जो मन स्थिति आपकी थी, उससे विपरीत चीज़ें जा रही हैं, तो थोड़ा सा समय और दीजिएगा। और अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, जो आप एक राइट पार्टनर चाहते थे वो नहीं है, तो आप क्विट करके आगे निकल सकते हैं। सेम कंडीशन जो नई लव की शुरुआत करना चाहते हैं, नई लव लाइफ में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अपने साथी को चूज़ करने का है, परफेक्ट है तो ही आगे बढ़ें, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान दे सकते हैं। तो सतर्कता से आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में दिक्कतें नहीं होंगी। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, साधुता लाइफ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वो भी बहुत अच्छी मैं नहीं देखता हूँ। इसमें बाह्य व्यक्तियों का, जो बाहरी लोग होते हैं, उनके इंटरफेयर से और फैमिली के ज़्यादा इंटरफेयर से चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही है और इसको आपको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोकेंगे तो आप कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं, दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इनको पहचानिएगा, इनका जो इंटरफेयर है वो कम रखिएगा अपनी लाइफ में, तो जाके आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हो सकती है। आगे हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि तो 50-50 का समय मैं देखता हूँ। कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो कुछ चीज़ें वहीं रुकी पड़ी हुई हैं, तो एक बैलेंस वाला मामला आपके लिए है। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं नए बिज़नेस की, उनके लिए इस बैलेंसिंग समय में शुरुआत करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम एक बिज़नेस करते हैं, एक अच्छी पूंजी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक उसका लाभ होना चाहिए, तो तभी बेहतर होगा जब एक अच्छा समय शुरुआत करेगा आपके लिए। तो अभी वेट करें, फिर जाके चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। बात करते हैं नौकरी पेशा जातक, जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए समय अच्छा समय कहूँगा मैं इसको, जो समय सामान्य तो नहीं, सामान्य से ऊपर का समय है। आपकी जो मनपसंद चीज़ें हैं, मनपसंद वर्क है, वो आपको मिलेगा, उसको आप करेंगे और उसका लाभ भी जो है आपको ज़रूर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। फाइनेंस की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो वो सामान्य है, वो एक धीमी गति में ही आगे बढ़ रहा है, एक बहुत अच्छी गति से भी आया नहीं, जिस जैसी कि उम्मीद आप बांधे हुए थे। और सबसे बड़ी इसमें एक बात फाइनेंस के क्षेत्र में ये है कि खर्चे का योग आपका आ रहा है, कुछ बड़ा खर्चा आपका हो सकता है, और जहाँ पर भी आप खर्चा करेंगे आपने सोच कर, समझ कर और उसका बेनिफिट और उसका जो नुकसान है वो क्या है उसका ध्यान रखकर आपको करना है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बनी रहे फ्यूचर में। यहाँ पर ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर आपको फाइनेंस से संबंधित दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। आइए दर्शकों, आगे बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए कि जून का महीना उनका कैसे जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ से। हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार की कोई सर्जरी या किसी प्रकार कोई लंबे बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपको यहाँ पर और ध्यान रखने की आवश्यकता है। चीज़ों को टालना नहीं है, चीज़ों को जितना जल्दी से बाहर निकले उतना आपके लिए अच्छा है। तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा अनुकूल समय नहीं है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के जो समय आपका है
वो भी बहुत सामान्य अवस्था में है, इसको हम बहुत ज़्यादा नो लॉस नो प्रॉफिट मिलेंगे। जो चीज़ें चल रही हैं उसी गति से ही आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, हो सकता है कि महीने के उत्तरार्ध में कहीं जाके आपको सफलता मिले, लाभ मिले, ऐसी संभावनाएं जो है बन रही हैं। तो कुल मिला के सामान्य है, अच्छा ही हम इसको कह सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ की, ये आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो लोग इस मुआयने पे खड़े हैं कि भाई अब रिश्ता अलग ही हमें करना है, किसी भी हालत में नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं जून के महीने में देखने को मिले कि रिश्ता संबंध विच्छेद के योग भी बन रहे हैं। और जो लोग जोड़ना चाहते हैं, किसी भी हद तक अलग नहीं होना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर और मेहनत और चीज़ें एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि आप आगे फ्यूचर में सफलता आपको मिल सकती। कुल मिला के जून का महीना काफ़ी उतार चढ़ाव वाला आपके लिए बना रहेगा। आगे बात करते हैं आपके करियर की, करियर की स्थिति जून के महीने में कैसे रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी, व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। जो कुछ पास्ट में आपने डिसीजन लिए थे, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लियो, उसका नुकसान आपको जून के महीने में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप किसी प्रकार की कोई नई डील ना करें, किसी प्रकार कोई नया धन जो है अपने व्यापार में ना लगाएं, जिससे कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान होने से आप बच सको। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जो करियर, जिन्होंने नौकरी चूज़ कर रखी है या अपना और अन्य साधन है चीज़ों का करियर पॉइंट पे, तो उनके लिए समय सामान्य है, अनुकूलित समय में कह सकता हूँ कि जो जिस अपेक्षा वो कर रहे थे अपने जॉब से, अपने लाभ के क्षेत्र से, तो मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो नौकरी पेशे वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए एम्प्लॉय हो रहे हैं, नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में उनके लिए भी एक अच्छा समय योग बन रहा है। आगे हम बात करेंगे आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली। फाइनेंस आपका जो है, क्योंकि लाभ का समय थोड़ा सा कमज़ोर है, जहाँ से हमें बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाकृत नहीं है, और कुछ धन खर्चे का योग भी बन रहा है जो अचानक से आ जाते हैं, जो मतलब हम प्लान नहीं होते बट वो अनप्लानिंग खर्चे आ जाते हैं, उनसे भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो जो भी चीज़ करें अपनी व्यवस्थित तरीके से करें, दिमाग से करें, सोच समझ के करें, तो फ्यूचर की जो नुकसान होते हैं, जो हानि होती भविष्य की, उससे आप बचे रह सकते हैं। और देखा जाए तो सामान्य है, बस अगर आपके डिसीजन अच्छे रहे तो सामान्य रहेगा, डिसीजन खराब रहे तो उसका आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। दर्शकों, आगे बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट पे आपका सामान्य है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटी मोटी कुछ सावधानियाँ आपको रखनी है, परेशानियाँ हो सकती हैं, और वो सावधानियाँ आपने रखी तो हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, और अगर आपने नहीं रखी तो फ्यूचर में ये चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। तो अभी जून का महीना तो सामान्य है, बट फ्यूचर के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके स्वास्थ्य को सामान्य रूप बेहतर बना सकता है। आगे बात करते हैं आपके लव लाइफ और आपका दाम्पत्य जीवन। जो लव लाइफ वालों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, जो उम्मीद जो अपेक्षा आपने अपने लव से रखी थी वो होने वाली है, और निश्चित है कि आप अपने जीवन में एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनका इंतज़ार है, जून के महीने में ख़त्म होने वाला है, आपकी इंतजार घड़ी पूरी होती है, आप अपने फ्यूचर को अपने रिश्ते को जी सकते हैं। आगे बात करेंगे दाम्पत्य जीवन, जो हमारी शादीशुदा लाइफ होती है, ये भी काफ़ी सामान्य स्थिति में है। अगर जिन लोगों का पिछले समय से प्रॉब्लम थी, इस महीने काफ़ी बेहतर आप अपने रिश्ते को देखेंगे, और जो लोग कहीं ना कहीं शुरुआत मतलब अच्छी चल रही थी, यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को उनको मिलेगा। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सामान्य की स्थिति से आगे बढ़कर एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, आपके लिए दिख रहा है जून के महीने में। आगे हम बात करेंगे आपके करियर की। करियर में शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। व्यापार वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा समय है, अनुकूलित समय इसको मैं कह सकता हूँ। जो अपेक्षाएं अपनी व्यापार से आपको थी, जो लाभ की अपेक्षा आप रखते थे, जिस ग्रोथ की अपेक्षा आप रखते थे, वो अपेक्षा आपकी जून के महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी गति से आगे बढ़ते रहे, निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं नए बिजनेस की, अच्छा समय है, शुरुआत कर सकते हैं, आपका व्यापार भी एक अच्छी गति में आगे बढ़ेगा। करियर में आगे हम बात करेंगे जो लोग नौकरी पेशा जातक है, नौकरी पेशा जातकों के लिए अच्छा समय है, उनका मनोकामना वाला समय है। जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होने वाली है, चाहे वो परिवर्तन की थी, चाहे वो कोई नए स्थान पर जाने की थी,
जहाँ भी इच्छाएं थी उन इच्छाओं को जून के महीने में उससे संबंधित पहले तो होगा नहीं तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो आपका क्षेत्रीय बहुत अच्छा है और साथ में जो अनएम्प्लॉयड थे लंबे समय से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है, उनको भी सफलता जरूर जून के महीने में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं आपकी फाइनेंस की, फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है। थोड़ा सा खर्चा जो है इस महीने में देख रहा हूँ और खर्चा आपको उचित खर्चा मैं कह सकता हूँ, उसको फिजूल खर्ची नहीं कहूँगा, कुछ उचित खर्चा है वो आपको करना ही पड़ेगा। उससे हो सकता है कि आपको लगे कि आपका बजट जो है गड़बड़ा रहा है, परंतु घबराएं नहीं, आगे चलकर वो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि जो लाभ के संकेत है वो भी धीमा है बट अच्छा है। तो आपका जो फाइनेंस की जो कंडीशन है वो सामान्य अवस्था में जून के महीने में मैं देख रहा हूँ। दर्शकों आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ की, हेल्थ की स्थिति आपकी जून के महीने में कैसे रहने वाली है। हेल्थ का जो मैं आपका क्षेत्र देखता हूँ वो सामान्य है, इसमें किसी प्रकार की हेल्थ से संबंधित बाधाएं जो है वो आपको में नहीं दिख रही है। हाँ, जो लोग लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जूझ रहे थे उनमें भी कुछ ना कुछ सुधार, धीमा सुधार रहेगा बट सुधार आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ की। लव लाइफ में देखा जाए तो यहाँ पर एक अंगारक योग ऐसा बना हुआ है कि जो आपके लव के क्षेत्र में दिक्कतें दे रहा है, मतलब हो सकता है जो लंबे समय से रिलेशनशिप में है उनका अलगाव हो जाए, दिक्कतें जाए, झगड़ा हो जाए, तो कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। तो सावधानी से लेके चलें और कुछ भी डिसीजन आपको लेना है तो अपने सामने वाले की मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लें जिससे कि उसको दिक्कत ना हो। जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं लव लाइफ में और एक बहुत लंबे समय से आशा लगाए बैठे थे कि बिल्कुल ही मेरा राइट पार्टनर है, भाई एक बार इनडायरेक्टली भी पता कर ले कि कहीं ना हो कि डायरेक्टली आपके सामने मना हो जाए और आपको दुख हो इस चीज़ का, तो बोलने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर ले फिर आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं शादीशुदा लाइफ की। शादीशुदा लाइफ का जो क्षेत्र है या जो घर है जून के महीने में बहुत अच्छी कंडीशन में है, इसमें बहुत सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर दिक्कतें हैं नहीं दिक्कतें हैं तो और भी आप अच्छा फील और प्यार और लगाव एक दूसरे से महसूस करने वाले हैं, तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बात करेंगे आपके करियर की। करियर में सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। व्यापारी वर्ग अगर मैं देखता हूँ तो भी यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ का जो स्वामी है वो सुख भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी कंडीशन का है, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके व्यापार में लाभ उन्नति के संकेत जो हैं जून के महीने में दिख रहे हैं। और जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस की उनके लिए भी बहुत ही सकारात्मक समय, एक अच्छा समय इस समय आप शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में आपका बिजनेस बहुत लाभप्रद बना रहेगा। आगे बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए। नौकरी पेशा जातकों के लिए जो समय है वो थोड़ा सा धीमा है, मतलब जो आपकी इच्छाएं थी या जिस हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको और शांत और धैर्य से काम करना, नुकसान कुछ नहीं है, लाभ आपको जरूर होगा, आगे चलकर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो अनएम्प्लॉय है, जो लंबे समय से नौकरी की तलाश में, उनके लिए भी धीमी शुरुआत में देख रहा हूँ, निश्चित है कि आप भी शुरुआत करें, फ्यूचर में आपका उसका पूरा लाभ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं आपकी धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसे रहने वाली है। फाइनेंस जरूर चीज़ें अच्छी तो हो रही हैं आपकी लाइफ में बट जो फाइनेंस का जो फ्लो है, जो आप आने की जो गति है वो धीमी है, लाभप्रद है धीमी है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है इसमें, निश्चित है कि लाभ धीमा धीमा और रुक रुक के आपके पास आ रहा है। और जो आपका सेविंग जो धन है वो कहीं ना कहीं एक स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ, उसमें किसी प्रकार का बड़ा खर्चा जो है जून के महीने में मैं आपके जीवन में नहीं देखता, तो कुल मिला के फाइनेंस की स्थिति जो है अच्छी बनी रहेगी। आइए दर्शकों आगे बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ से। हेल्थ का जो क्षेत्र आपका है सामान्य है, मतलब जिस गति से इम्प्रूव आप चाहते थे शायद उस गति से आपका, जिनका स्वास्थ्य मतलब पहले से डिस्टर्ब है उनके लिए धीमा थोड़ा बेनिफिट जो है जून के महीने में देख रहा हूँ। जो लोग पहले से स्वस्थ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय, फिर भी अपने फिटनेस और खान पान का ध्यान जरूर रखें जो कि आपके स्वास्थ्य को और भी बेहतर बना के रखेगा। आगे दर्शकों बात करते हैं आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन। शुरुआत करते हैं लव लाइफ से। लव लाइफ का जो समय है
जून के महीने में अनुकूल है आपका, इसको सामान्य स्थिति में बना रहा है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में जैसा था उसी प्रकार चल रहा है। आगे बात करते हैं कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं लव लाइफ की, तो ठीक है, समय है, उस समय में आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे चलकर और घनिष्ठ संबंध और प्रेम आप लोगों के अंदर बढ़ेगा। शुरुआत करने के लिए जून का महीना अच्छा समय है। आगे बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ जून के महीने में काफ़ी बेहतर है। इसमें आपको और भी जो अगर दिक्कतें हैं तो सुधार इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो मनमुटाव था, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जून के महीने में ख़त्म हो रही है और आप एक अच्छे संबंध को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आगे बात करेंगे आपकी व्यापार की, आपके करियर की। तो करियर में सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग की। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय अच्छा है, कुछ नए काम होंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे और कहीं अगर मैं देखा जाए यहाँ पर तो व्यापार के क्षेत्र में आपको फ्यूचर के लिए एक बड़ा लाभ जो है जून के महीने में देखने को मिलेगा। भले जून में आपको लाभ ना हो बट आप आश्वस्त हो जाएंगे कि फ्यूचर में मुझे इससे बड़ा लाभ हो रहा है। तो काफ़ी बेहतर समय जून के महीने में व्यापारी वर्ग के लिए है। जो लोग शुरुआत करना चाहते थे व्यापार में, एक पहले बार बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूल समय है। फ्यूचर में अच्छा लाभ उनको देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे जो नौकरी शुदा जातक है, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए समय कहीं ना कहीं धीमा है। जो वो चाह रहे थे प्रमोशन की गति, सैलरी की गति या कार्य अपेक्षा पा रहे थे कि भाई अब मुझे इस पद पे होना चाहिए, इस प्रतिष्ठा में मुझे जाना चाहिए था, वो चीज़ें जून में नहीं दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आप फिर उसी गति में, उसी एंगल में घूम रहे हो, बट धैर्य यहाँ पर आपको रखना है। और अगर आपको लगता है कि उम्मीद यहाँ पर आपकी बची हुई है चीज़ों के लेकर, आप अगर इनफ नहीं हो चुका है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर लगता है तो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों पक्ष में फ़ायदा होगा। तो ये आपका है। और जो लोग लंबे समय से अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी की तलाश में, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है जून के महीने में। इतना अपेक्षित समय, इतना सपोर्टिबल समय उनके लिए नहीं देख रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन अगर लाभ के देखा जाए तो लाभ के क्षेत्र में मध्यम लाभ आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा लाभ मुझे नहीं दिखता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ्यूचर के लिए हो सकता है, बट जून के महीने में मध्यम लाभ आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी धन की स्थिति है वो सामान्य है, उसमें ना किसी प्रकार का विशेष खर्चा हो रहा है, न किसी प्रकार का कुछ ऐड हो रहा है, तो सामान्य है। तो कुल मिला के धन की स्थिति आपकी जून के महीने में सामान्य बनी रहेगी। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन पर बनाया गया है। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका या कुंडलिका से ये भिन्न हो। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और अपनी कुंडलिका के अनुसार बारीकी से जानकारी लेने के लिए आप एस्ट्रोयोगी पर मुझसे परामर्श कर सकते हैं। एस्ट्रोयोगी पर परामर्श करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एस्ट्रोयोगी।